छोड़ो मैं पकड़ती हूँ फिर बोलना छोड़ो। ठीक है। हेलो गाइस, सबका स्वागत है। और एक नई बोलना है, एक नई बोलना है, एक इतना ही बोलना है भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अच्छा राम राम तो करी नहीं आपने, करो ऐसे हिल जाएगा बेटू फोन। राम राम करो पहले। चलो राम 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 राम। गाइस आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत हनी ने की और देख लिया आपने कैसे किया। इसने ना गिम्बल में डलवा लिया फोन, कह रहा मम्मा आज व्लॉग मैं बनाऊंगा। मैं कहा ठीक है तो ये बनाओ। इससे ना पकड़ा नहीं जा रहा था फोन, ये हिल रहा था। मैं कहा चलो मैं पकड़ लेती हूँ, आप बोल लेना, तब ये बोल रहा। अच्छा तो और कुछ नहीं बोलना आपको गाइस को? नहीं। क्यों? मुझे बस चलो भाई, अगर आप चैनल पर नए हो, हनी ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है भाई, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना मत। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मैं बना रही हूँ चाय। बाहर मौसम बहुत ठंडा है, धूप के कोई चांस नहीं है। क्या आप पहले बोलना है तो बोल लो कुछ। ये लो। नहीं ऐसे नहीं, हनी फोन हिल रहा है बेटू। बोल तो। ये नहीं, पहले आपको जो बोलना है वो बोल लो। हेलो गाइस, हम चाय पी रहे हैं। हेलो गाइस, हम चाय पी रहे हैं। ये बार बार फोन को मेरे हाथ से छीन रहे हैं। मम्मा मेरे को दे दो, मैं बोलूंगा भाई। चाय बना रहे हो ना तो इसके लिए भी बना रही हूँ, ठंड ज्यादा होगी ना तो ये भी पी लेगा। मैं फटाफट चाय देख लेती हूँ, चाय ना निकल जाए इसके चक्कर में। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो। ऐसे ही करता रहेगा मम्मा। मम्मा तब फोन हिला दिया, दोबारा डाला मैंने इसमें गिम्बल में फोन, और अब दोबारा बोल रहा मुझे चाहिए। आज का देखते हैं व्लॉग कैसा बनता। नया व्लॉगर आ गया भाई। हाँ बोलो। टीवी देखना आपको? ठीक है चलाती हूँ मैं। या लिया है भाई माचे से। अरे वो बड़ी लकड़ी अपनी आग बाड़ेंगे और वह प्रीति बना के ले आओ चाय, बैठ कर हम तो चाय पीवेंगे और सेकेंगे आराम से। हनी तो आ गया भाई। क्या उठा रहे हनी? ये इसको चलाओगे? देखिए पन्नी पड़ी बहन गई लाख आग। अरे लकड़ी बड़ी कति सूख रही है, एक नंबर की जलाएंगे। हनी बेटो आप साइड हो जाओ, मैं जला दूंगा। अब साइड हो जाओ एक बार, ठीक है? आग भी होगी तैयार और चाय भी आ गई है। मजा आ गया भाई, आग गेला गर्मा गर्म चाय। अरे घाम लग रहा है नी, लत्ते सुखान लग गए। यहाँ समय सुखाओगे? हाँ ठीक ठीक, चाय पी लो भाई। देख देखो सा डंडा कैसे जा रही, इससे बात सूख जाए कती है भाई। चाय पी लो भाई, जिसने पीने हम तो पी होंगे भी। ठीक है क्या नी? खतरनाक बंद रहे हो। ना बेरा होगा, खतरनाक बंद रहे हो। कित गया? यो रहा यो बैठा भाई, क्यों कर लगाना लाग रहे हो? हाँ यो गया भाई। यो गेट खुला है, खुला है यो गेट। गया बेटू गया, अब तो गया वो। हाँ शकल तो सह लग गया है। हाँ गया है, इसके बाहर कपड़े पड़े भी ना छोड़। एक बार क्या हुआ था याद है? हाँ अंदर घुस गया था बंदा। अंदर भाई गेट सारे मतलब गेट बंद थे और गेट दरवाजा बाहर की तरफ खुल रहा था, फिर भी बाहर की तरफ खोल के अंदर फ्रिज पूरा तहस नहस कर दिया था बंदा। खाना वाना सब और कुछ नहीं छेड़ा घर में, बस फ्रिज खोल के फ्रिज का और दूध भी नहीं गिराया ना, दूध भी नहीं गिराया। जो खाने का सामान था ना वेजिटेबल्स सारी बाहर निकाल के सारा कर गया था, पूरे घर में सारा सामान बिखेर गया था। अब गेट नहीं खुला, छोड़ सकते भाई। नहीं अपना बोन फायर बनावा, ये देखो देख लकड़ी लगा रखी चेयर के। यहाँ देखियो मेहनत छोरे की, दुखी हो रहा है। मेहनत लगती है बहुत तोड़ने में। इसमें रख लो ये ले। बस बस हनी देखियो यार, ओ बच गए नाइफ जाए आंख में। थैंक यू सर। जला ले अपना बॉनफायर। अब जलाएंगे आज। अब भाई दादा भाई लाड। बस हो गया रेडी, खाना खा लो, पकड़ो रोटी बना दी मैंने। नहीं मैं नहीं खा रहा। क्यों? आने के बाद खाऊंगा।
आपको टाइम देखो क्या टाइम हो रहा है, 11:15 हो गया, आप रोटी नहीं खा रहे। तू तो लगा रहा बेटा, अरे यार 11:15 हो रहे, देखो भाई अभी तक खाना नहीं खा रहे, रात दोपहर को 2:30 बज जाएंगे आपको आने में। अरे कोई नहीं, आके खाऊंगा मैं, अभी भूख नहीं है, जूस पी लिया मैंने। ठीक है भाई मत खाओ फिर, मैं खा लेती हूँ, मैंने बना दिया, हटना मन के तैयार नहीं होते तू, है ना, हटा साइड हो। हाय देख मैं तो पीछे खड़ी हूँ, मैंने क्या बोला कि साइड हो, मैं आगे थोड़ा ना खड़ी हूँ, अब हुई हूँ आगे, तो मैं एक रोटी खा जाओ। बिल्कुल भी मन नहीं है, बस हन्नी को खिला देते हो, मैं खा नहीं, खाना खा लो बेटू, गाड़ी की चाबी। मुझे नहीं पता वो ले रहा था, वो देखियो उसने कर दी होगी इन परे। आपने सही में खेला हुआ, आपने तो खेलना। और वो जो स्टार्टिंग में वो क्या कहा कर, उसने सर्विस दिया करे, वो देख दिखाइयो, रुक जा रही है एक मिनट, उरे नान दे, हाँ दो इब, अपने दोनों पकड़ कर ना फिर करियो, हाँ इब दो, अब दो मने दे इन ए, हाँ। ले मैं खेलूंगी, चलो मेरी गला खेल के दिखाओ, उछाल के फिर मारो, ऐसे मारो अच्छे से पकड़ो, ऐसे जैसे बैठ उसको बैठ ऐसे उछाल के, हाँ खड़े ऊपर मारो, जब नीचे आए तो ऐसे करो, झाड़ू नहीं मारते आंटी जो प्लेयर है आंटी स्मैश कभी सारी गलत वाली रिकॉर्ड कर ले कैसे सर्विस कर रहे हो आंटी, कोई नहीं आंटी दिखा दो जलवा अपना, अरे वाह तेज की हो गए चाम, मतलब मैं बोल रही थी 4 बज गए और बोल रही थी शाम हो गई, वो चाम इकट्ठे निकल गए, पता नहीं ठंड की वजह से ना दिमाग खराब हो रहा है। अन्य आवाज कम करो बेटू, वैसे भी आज मेरे सर में दर्द हो रहा है और दवाई भी नहीं बची घर पे हेडेक की जो मैं लेती हूँ, तो मैंने हनी के पापा को बोला भी ये फोन करके ले आएंगे, शाम हो गई 4 बज गए काम का टाइम तो अभी नहीं हुआ है, बट ये है चाय वाय पी ली और ज्यादा बैठा भी नहीं जाता बाहर, आज बैडमिंटन मतलब मैं बचपन में कभी खेली हो तो पता नहीं, बाकी मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी बैडमिंटन खेला, आज फर्स्ट टाइम ही खेली थी और मैं अच्छा खेली, वरना मुझे लगता था मुझे नहीं आता। पहले ना आदियांशु पहले खेलते थे ना, तो मैंने एक बार और ट्राई किया था बैडमिंटन खेलने का, मेरे से हुआ ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं खेला गया। हाँ आपके लिए लेके आएंगे छोटा सा, तो आज खेली तो आज सही खेला गया, बहुत देर खेल लिए थक भी गए, आज ना यहाँ पे ना ये चीज़ दर्द कर रही है, वो बैडमिंटन काफ़ी देर खेल लिए हम, अब इतनी देर का ब्लॉग में तो दिखा नहीं सकती, पर मैं काफ़ी देर खेली थी और उसकी वजह से यहाँ भी पेन हो रहा है, और फिर खेलते टाइम हवा लग रही थी ना तो सर में भी दर्द हो गया, अब दवाई के लिए बोला है, अब सोच रही हूँ चाय बना के पी लेती हूँ, फिर हनी के पापा कह रहे थे मैं अभी आ ही रहा हूँ दवाई लेके, तो मेरे लिए भी बना दियो, तो बैठे हैं ये टीवी देख रहे हैं और कुछ करने को है नहीं। पापा की आवाज आती कैसे छुप गया, कौन आ गया हनी, इतना खुश क्यों हो रहा है, आपकी आवाज आई ना तभी छुप गया। ओए बेटू, हनी क्यों छुप रहा, क्या किया इसने,
कुछ भी नहीं, आपकी आवाज आती वैसे ही छुप गया। तेरे लिए मैं इनविटेशन लेके आया। अच्छा कहाँ है, कैसा इनविटेशन है भाई? एक नंबर की अखर कर दे। क्या अखर, कहाँ शादी में जाना है क्या किसी की? कार्ड है, शादी में नहीं जाना। और रुको रुको रुको, देता हूँ आपको। अच्छा अयोध्या से? अच्छा अयोध्या का, हाँ राम मंदिर का। ये सबके घरों में आ रहे, आ गए अपने घर पे भी? हाँ, हनी बैठ जा बिट्टू। ये इसके इसके हाथ नहीं धुल रही है। हनी गलत बात, बहुत गलत बात, वापस करो पापा को। एक मिनट में हनी, नो गिर जाएंगे बिट्टू वो। कम हनी, कम एक मिनट। हाँ इसको बिट्टू मंदिर में रखना है, ये पूजा करने के लिए। इनविटेशन है क्या सच में? क्या चीज आया है इसके अंदर? ये चावल है पूजा करने के लिए। हाँ हाँ, और इनविटेशन है ये। चले फिर, इनविटेशन आ रहा है तो। यार ये बहुत भीड़ हो गई, 2 दिन बच गए। कल सिर्फ उद्घाटन इनको ना, आप या तो फ्रिज के ऊपर रख दो या फिर मंदिर में। 22 जनवरी, सॉरी 22 जनवरी को, ठीक है? पहले सोच, पहले डिसाइड कर लेते ना तो फिर चला जाता है। इतनी भीड़ होगी वहाँ। हाँ दे रहा हूँ बेटे, एक मिनट। इतनी भीड़ होगी, नंबर भी नहीं पड़ेगा। अच्छा पता है, कोई नहीं भाई, फिर कभी, फिर कभी चलेंगे, फिर कभी ले चलूंगा। चलेंगे, हाँ चलेंगे। तू अपना छोड़, पहले आप मेरा बताओ। मैंने राम जी बुलाएंगे तभी जाएंगे। अपने आप बुलावा आ जाएगा। पहले ये बताओ, मैंने आपसे कुछ मंगाया था, दवाई मंगाई थी मैंने सिर दर्द की? सही में आप कभी, मतलब वही शायद आप लोगों को आज तक नहीं पता होगी ये बात, बट आज मैं बता देती। चाहे हमारे पूरे पड़ोस से पूछ लेना, इनको ये, इनकी ना याददाश्त बहुत कमजोर है। मतलब इनको ना अगर एक, अगर कोई चीज इनसे, मैं कुछ बता रही हूँ चुप हो, अगर इनसे कोई चीज मंगानी है ना तो वो चीज 10 बार बोलनी पड़ती है तब जाके आती है ना। और मैंने दो बार तो कल का क्या दर्द तो अब हो रहा है। अच्छा है, गोली ला देते ना, मैं ले लेती तो मैं बना देती। ईप जाऊं फिर? रहन दो, मैं बना रही हूँ अभी, चाय बना के पीनी पड़ेगी। कह रहे कल ला दूंगा, कल सर में दर्द थोड़ी ना होगा मेरे। क्या इसके लिए तो ना, आप जब भी घर में घुसो ना इसके लिए कुछ ना कुछ लेके आया करो। कल लेके आऊंगा, हाँ जब भी घर में आऊंगा, जितनी बार भी आऊंगा। देख 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 देख, मैं फोन कर दूंगा। किसको फोन कर देगा? पुलिस को। अच्छा पुलिस को फोन कर दूंगा, ठीक है ठीक है। ये चावल, हाथ जोड़ रहे हैं मेरे आगे, मम्मी ये छोटे से चावल दे दो, श्री राम जन्मभूमि निर्माणाधीन, रुक जा यार हनी, श्री राम जन्मभूमि निर्माणाधीन मंदिर अयोध्या। कितना सुंदर मंदिर लग रहा है, और ये चावल है। कितना की अयोध्या की जनसंख्या? 9 करोड़ के करीब है। हाँ डोनेशन पता कितना? 3200 करोड़ का। पता है, मैंने मैंने भी पढ़ा था। मतलब जन लोग कह रहे हैं ना कि सरकार ने ये पैसा लगा दिया मंदिर में, ये सारे अयोध्या वासियों का पैसा है। अरे एक और वो काशी से भिखारियों ने भी, पता है काशी के और एक और जगह थी वहाँ के भिखारियों ने, हनी रुको बैठो एक मिनट रुको, काशी के भिखारी और मतलब जो थे मांगने वाले, उन्होंने भी पैसे इकट्ठे किए, पता है कितने? 4 लाख रुपए। उन्होंने भी 4 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए हैं निर्माण में। अभी मंदिर हुआ नहीं है इसका, 1 महीने में 3 करोड़ का चंदा है इसका। हाँ? अभी ओपन नहीं हुआ। खाना बना लिया? लिया। क्या बनाया खाने में? छोले बनाए और चावल बना दूंगी। मेरी रोटी रखी है दिन की? अब नहीं बनाई मैंने रोटी, में चावल बना रही, बाकी दिन की रखी हुई है। तो मेरी वो घी लगा के सेक दियो। दिन वाली? हाँ। चावल नहीं, मैं नहीं खाऊंगा चावल। पापा। हाँ तो क्या बन रहा है ये? ठीक ठीक है, मेरी वही सेक दियो। हाँ, सेक, हाँ मैं नहीं खाऊंगा। हमारी रोटी बचा तेरा भाई, हम तो अपने घी लगा के। मुझे अच्छी लगती है फिर यार आज मैं। हाँ क्या? हाँ वो अच्छी लगती है मुझे। हाँ ओके बेटू ओके, ठीक है जल्दी बना ले, भूख लगी है, पूरा दिन की आज खाना नहीं खाया। मैं तभी आपको बोल रही हूँ, खाना खा जाओ, दिन में आप नहीं खाओगे, गया ना पूरा दिन ऐसे। कोई नहीं अभी खा लूंगा मैं, मैंने तो राइस खाएगा।
मैं नहीं खाऊंगा ना। मैंने छोले भाजी इसी ने बोला था कि मम्मी ने राइस बना देना। ओके फिर अब बना दो साथ साथ बना। हाँ बना दे, भूख लगी हुई है। ठीक है। ये इंसान मैं यहाँ वो पराठे बना रही थी इनके और ये चावल रखे मेरे को मतलब बनाने नहीं दे रहे, परेशान करके रख दिया है। सिस्टम है भाई, बाबा इधर आ रहे हैं। इन्होंने ना वो ब्लॉग पता नहीं क्या देख लिया, किसका देख लिया, मुझे तो नहीं पता नहीं। पूरा चढ़ती कलाम कर रही है, पूरा दिन गया आज इनको ये चीजें बोलते बोलते। बाबा की दया, बाबा की दया है। उठ जाओ, मैंने कर लेने दो, मेरा तवा जले है। जो बात मैंने की हुआ होता हाँ या ना। मुझे अपनी माँ के घर में जल्दी छूटा जा। पता? नहीं, नहीं, नहीं जाना। ये बोल रहे भाई घूमने चलते हैं। अभी इसी वीक में, नेक्स्ट वीक में, मतलब हम पहले वेट कर रहे थे कि स्नो आ जाए शिमला में, स्नो पड़ जाए, स्नो पड़ जाए। स्नो तो भूल जा। स्नो पड़ नहीं रही तो ये हाँ हाँ भरवा रहे कि स्नो पड़े चाहे ना पड़े, मतलब स्नोफॉल। हमने क्या बोल रही हूँ मैं, स्नो पड़े, स्नोफॉल भी तो बोल सकते हैं। आपने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। हाँ 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 ठीक है, चुप चुप मैं स्नोफॉल की जगह स्नो पड़े बोल रही हूँ। पहाड़ों में तुम तो बाबू बेटा दोनों टाइम, दो हर टाइम। यार मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों टाइम हर टाइम राजी हो तुम तो। चुप है। हाँ नहीं, आप चुप हो, दो मिनट। स्नोफॉल हो चाहे ना हो ये बोल रहे हैं अगले हफ्ते घूमने चलते हैं, और मैं उसके लिए मैं कह रही हूँ। हाँ तू बता ले बेटे, पहले बता। ठीक है बेटी, जल्दी से नीचे उतर जाओ, वो अपनी मैगी बनाएगा। मेरा दिमाग मत खाओ। अच्छा आपने इसकी मम्मी का भी और इसका भी दोनों का दिमाग खा लिया। स्नोफॉल होगी तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो क्या उजाड़ देख के आएंगे वहाँ पे, पेड़ों पे पत्ते नहीं, स्नो की जगह स्नो नहीं, क्या देखेंगे वहाँ पे। अरे यार मेरा तवा गर्म हो गया, हट जाओ आप। खाना वाना हो गया भाई, ये चावल ये राइस जो बनाए थे वो बच गए, ये यानी का दूध हो गया। बीच नीचे ना खांड रह जाती है ये देखो, मतलब हनी के दूध में मैं वो नहीं मिलाती, अरे ज़्यादा हो गया, चीनी नहीं मिलाती, खांड मिलाती हूँ। ये चावल बच गए, इनको फ्रिज में रखूँगी परसों तक के लिए, कल इनको मतलब बाहर डोगी वोगी को नहीं डाल सकते। ये रात का दूध हनी का बॉयल करूँगी, ये अभी का हो गया। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ अभी इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि कल है एकादशी भाई, और एकादशी को यूज़ नहीं मतलब चावल नहीं खाते हम तो, नहीं खाते। तो ये जो बच गए ये वाले फिर अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ, परसों डाल दूँगी। जो नीचे कुत्तों का वो बना रखा ना हमने, वहाँ पे कोई कुत्ते वगैरह आके खा लेते हैं तो उनको डाल दूँगी। ये हनी का दूध हो गया, चावल रख देती हूँ फ्रिज में। किचन मेरा हो गया सारा साफ, फिनिश सारा काम, अब उसको दूध दे देती हूँ। ये बिल्कुल जब सोएंगे ना, जैसे अगर 12 बजे भी मैं सो रही हूँ तो बिल्कुल सोने से 5 मिनट पहले ही इसको बॉयल करती हूँ पूरा बॉयल, ताकि रात को सुबह 4 या 5 बजे तक, मतलब जब ये दूध पीता है रात को उस टाइम तक गर्म रहे। हनी आपका बुबू, ये एक बार इसको टाइट बंद कर दो। लो हाँ सुला लो।